और यहाँ भी आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि तनकीद करने वाले इंजॉय करें, टीम फाइनल में पहुंच गई है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फतह के बाद गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम का कहना था कि हम प्लान करके आए थे कि इब्तदाई 6 ओवर्स में मोमेंटम सेट करेंगे और हम उसमें कामयाब रहे। बाबर आजम का कहना था कि आज बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हम जीत के लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं, मिल बैठकर फाइनल के लिए प्लान करेंगे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम का कहना था कि वर्ल्ड कप का आगाज अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्रिकेट में अप डाउन होते रहते हैं। यकीन था कि कमबैक करूंगा, टीम मैनेजमेंट का शुक्रिया कि मुझ पर यकीन बरकरार रखा। बाबर आजम का मजीद कहना था कि फाइनल में जो भी टीम सामने हो 100% देंगे, तनकीद मुझ पर नहीं टीम पर की जाती है, तनकीद कप्तान पर हो तो समझे तनकीद टीम पर ही की जा रही है, तनकीद करने वाले इंजॉय करें, टीम फाइनल में पहुंच गई है। ख्याल रहे कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया 153 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निक्स सेंचुरियां स्कोर की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।